गौतम बुद्ध, सबने नाम सुना होगा, सुना है ना। उन्होंने अपनी वाणी में एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्या बोला था उन्होंने? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन आज के समय में ये तथ्य जो उन्होंने बात बोली है, ये बिल्कुल अपोजिट जा रही है। कलयुग है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो मारता है ना वो अपने आप को ज्यादा बड़ा समझता है कि जो मेरे में जोश है, जो मैं आज के टाइम पे हूँ वो कोई नहीं है। ऐसा ही है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो आसपास एरिया में अगर कहीं पे भी कोई गलत होता है, हम लोग खड़े होके देखते रहते हैं, है ना। कभी कोई हेल्प करने के लिए आगे आता है, अपनी जगह पे खड़े होके सब, आजकल तो सबसे ज्यादा काम क्या है, वीडियोस बनाना है ना, वीडियो बना के फटाफट से उसको अपलोड करना है, जब लाइव कर देना है कि देखो ये चीज हो रही है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो उन पे दया करके उनकी हेल्प के लिए आगे आते हैं। ये चीज तभी होगी जब आप लोग अपने आप को उस जगह पे रख के देखोगे, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज जो है हम लोगों को हमारे पेरेंट्स शुरू से ही समझाना शुरू कर देते हैं, स्पेशली हमारी मम्मी जो होती है वो घरों में भी ये चीज सिखाती है ना। जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी हमें हर चीज सिखाएगी, ताकि सबसे पहला टीचर को हमारा गुरु कौन होता है, मदर, है ना। हमें हर चीज मम्मी के थ्रू सबसे पहले पता लगती है। आफ्टर दैट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, सोसाइटी में आते हैं, जैसे जैसे लोगों के टच में आएंगे, वैसे वैसे हम लोग बहुत सी बातें सीखेंगे। लेकिन हम लोग आज के समय में गलत बातें ज्यादा सीखे, सही बात को कम तवज्जो देते हैं सीखने के लिए। मम्मी हमें क्या सिखाते हैं बेटा, कि कहीं पे किसी को लग जाए तो अगर आपसे लगी है तो सॉरी बोलना है, सिखाते हैं ना, यही बोलते हैं ना, उसकी हेल्प करनी है, उसको पूछना है, आपको ज्यादा तो नहीं लगी। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि जितना हम लोग किसी को मार पीट लें उतना ज्यादा बेटर है ना, हमारा जोश नजर आएगा कि देखो हम लोग कितना मार सकते हैं। दूसरी बात बच्चे, सबसे बड़ी बात जो कहने को आती है वो ये कि आज के समय में दया भावना आपके मन में जरूर होनी चाहिए, ताकि आज के समय का जो, मतलब कि आप लोगों का सोसाइटी से लिंक रख लो या स्कूल में रख लो, आप लोग क्या करते हो, जो चुप रहने वाला पर्सन होगा ना उसको दबाने की कोशिश करते हो, डरा के, है ना, धमका के डराने की कोशिश करते हो उसको कि वो कुछ बोले ना, कहे ना, है ना। लेकिन कहीं पर गलत हो रहा होगा, वो आगे भी आएगा तभी आप लोग उसको कुछ नहीं करने दोगे,